नमस्कार। हाँ तो बच्चों, आपको याद है दैट इन द लास्ट क्लास आई टॉट यू द पोयम इकोलॉजी। इकोलॉजी कविता बच्चों आर के रामानुजन की लिखी हुई थी, पारिस्थितिकी हिंदी में कहते हैं। और इस कविता को मैंने दो चरणों में, माने दो कालांशों में समाप्त किया था। ठीक है, तो कुछ लोगों की इस प्रकार की शिकायत आ रही है, ये मैं अंग्रेजी जो है थोड़ी बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, पर बच्चों एक्चुअली स्पीड नहीं। मेरा मानना ये था कि कोर्स कई बार किया है कि अपना पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो मैं बहुत अधिक स्पीड तो नहीं, पर जो मॉडरेट स्पीड है उसको मेंटेन करके चलने की कोशिश कर रहा था। आपने देखा जो पहली पोयम थी जो टैगोर की मैंने पढ़ाई आपको, वो छोटी थी। ठीक है, देट वॉज ए पोयम ऑफ ओनली आई थिंक 10 to 15 लाइन्स, 10 से लेके 15 जो पंक्तियाँ हैं उसी में लिखी हुई कविता थी। कविता जो है अपने को कई बार पढ़ी हुई पढ़ाई हुई है, तो हालांकि आपके लिए नहीं है, पर वो मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया था उसे। ठीक है, और जो दूसरी कविता मुझे थोड़ी सी बड़ी लगी इकोलॉजी, तो आई डिवाइडेड इट इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, मैंने इसको दो भागों में बांटा, और एक कालांश के अंदर, एक पीरियड के अंदर मैंने इसका केवल एक पार्ट पढ़ाया, दूसरे कालांश में मैंने दूसरा पार्ट पढ़ाया। तो आपने ये देखा बच्चों कि मुझे थोड़ी भी कविता बड़ी प्रतीत हुई तो मैंने क्या किया, इसको दो चरणों में बांट के पढ़ाया। फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंट्रोल माई स्पीड, मैं अपनी स्पीड को नियंत्रित करने की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको और धीमा कर दूंगा, वो कोई बात नहीं है। बाकी मेरा आप लोगों से ये कहना है, आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ, जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ, उसमें आप मेरा पूरा कोऑपरेशन करें, पूरा सहयोग करें, बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करें। क्योंकि मेरा ध्यान बच्चों बहुत अधिक लिखवाने पर नहीं रहता है, मैं बहुत अधिक लिखवाने का पक्षपाती नहीं हूँ, मैं बातों को समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर मुझे जो 40 मिनट की क्लास आपको पढ़ाने के लिए मिलती है, तो मैं चाहता हूँ कि लिखने का कार्यक्रम तो आप सारे दिन भी कर सकते हैं, और जो बहुत आवश्यक होता हो मैं लिखवा भी देता हूँ, पर मेरी कोशिश ये रहती है कि बातें आपकी अधिक से अधिक आपकी समझ में आए। और जब बातें आपकी समझ में आएगी, देन यू शैल बी केपेबल ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली, तब आप स्वतः प्रश्नों के जवाब देने में समर्थ बनेंगे। तो इसी तो कोई बात नहीं है बच्चों, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, पर फिर भी आपका मन रखने के लिए मैं इस बात को स्वीकार भी करता हूँ, और इस बात पर आपको सुधार करने का मेरी तरफ से वादा भी करता हूँ। लेकिन साथ में मैं आपको जो है ये ताकीद करना चाहता हूँ कि ट्राई योर बेस्ट टू अडेप्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू मी, अपने आप को मेरे अनुसार समायोजित करने की कोशिश कीजिए। उसका कारण है बच्चों, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग नहीं है, ये टीचर सेंटर्ड टीचिंग है, यह अध्यापक केंद्र में है। यहाँ बच्चों आपको पता है विद्यार्थी केंद्र में नहीं है। क्लासरूम में जब हम पढ़ाते हैं तब तो हम बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड, वहाँ बच्चा सब कुछ होता है, इधर सब कुछ बच्चा नहीं, इधर सब कुछ मैं हूँ। उसका कारण है क्योंकि मैं इंडिविजुअल टीचर, जो डिफरेंस होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, उसका ध्यान नहीं रख सकता हूँ। क्योंकि मैं जिस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली मैं उसकी फेस रीडिंग नहीं कर सकता हूँ। आप जानते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा क्या है, आदमी के दिमाग की इंडेक्स होती है, लेकिन चेहरा दिखाई देगा तभी तो मैं उस इंडेक्स को देख पाऊंगा। आप जानते हैं मेरा चेहरा सभी देख रहे हैं, लेकिन मैं सबका चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। इसलिए मैं सभी लोगों की जो इच्छाएं हैं, या सभी लोगों की जो मंशाएं हैं, या सभी लोगों की मेरे प्रति जो अपेक्षाएं हैं, मैं सभी अपेक्षाओं के ऊपर खरा नहीं उतर सकता हूं, पर मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है बच्चों, एनी हाउ, तो प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 85। पेज नंबर 85 के ऊपर बच्चों आप आएंगे, और आज मैं आपको दूसरी कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। दूसरी क्या है, आपको दो पोयम तो मैंने पढ़ा दी है ना, एंड दिस इज द थर्ड पोयम, ये तीसरी कविता है। एंड द पोयम इज कंपोज बाय रडियार्ड किपलिंग, और इस कविता को बच्चों रडियार्ड किपलिंग ने लिखा है। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर ऑफ एंग्लो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, एंग्लो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की ये महान हस्ती हैं, ये बहुत बड़े हस्ताक्षरों में से एक है। और बच्चों जैसे मैंने टैगोर के बारे में बताया था कि टैगोर को 1913 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए, उसी प्रकार से बच्चों रडियार्ड किपलिंग जो थे वो एंग्लो इंडियन पोएट थे, और उन्हें क्या था, सन 1907, जानते हो बंग बंग वगैरह पढ़ते हैं आप, बंगाल का विभाजन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट सन है ये। सन 1907 में क्या हुआ था कि ये हमारे जो इस कविता के जो कवि हैं जिनका नाम है रडियार्ड किपलिंग, इनको सन 1907 में इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर अर्थात अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में इनके
अभूतपूर्व अवदान के अवदान को ध्यान में रखते हुए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये अपने आप में बच्चों बहुत बड़ा सम्मान है। बहरहाल इस कविता के माध्यम से बच्चों कभी बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा। कभी ये कहता बच्चों ये सेंटेंस जो है ये जो कविता इसका नाम इफ है और इफ माने होता बच्चों अगर, तो यहाँ बच्चों प्रत्येक सेंटेंस में कंडीशन है। आप जानते हैं इफ का मतलब क्या होता है? आप बच्चों अच्छे से समझो, इफ जिस सेंटेंस में आता है उस सेंटेंस में निश्चित रूप से क्या होती है? उस सेंटेंस में निश्चित रूप से एक कंडीशन होती है। जिस वाक्य के शुरू में या मध्य में इफ आता है इफ बच्चों एक कंजंक्शन है। क्या है बच्चों? इफ एक कंजंक्शन है, ये दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ता है, ये कंजंक्शन है। बच्चों प्रश्न ये है कि ये कौन सा कंजंक्शन है? तो आप जानते हो बच्चों कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक तो एस सी होता है और बच्चों एक सी सी होता है। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। तो बेशक ये जो है इफ है बच्चों, इफ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, देयर इज नो डाउट। ठीक है, इफ एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हिंदी में इसको व्यधिकरण संयोजक कहते हैं। और बच्चों इफ से आप अगर दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं तो जो लार्जर सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, जो बड़ा सेंटेंस बन के आपके सामने आएगा, दैट शैल ऑलवेज बी अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वह वाक्य बच्चों हमेशा मिश्र वाक्य होगा, वह वाक्य हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। जैसे इफ आई गो टू आगरा आई विल सी द ताज। अगर मैं आगरा जाऊंगा तो मैं ताजमहल देखूंगा। इफ वाले सेंटेंस बच्चों मैंने बहुत अच्छे से कंडीशन वाले सेंटेंस क्लियर किए हैं। और आप ये देखो, इफ आई गो टू आगरा, अगर मैं आगरा जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? आई विल सी द ताज। समझ में आ गया बच्चों, ये कंडीशन है। अगर मैं आगरा जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? इफ आई गो टू आगरा आई विल सी द ताज। अगर मैं आगरा जाऊंगा बच्चों तो मैं ताजमहल देखूंगा। आई विल सी द ताज। ताज दिखाई नहीं दे रहा आपको, है ना? तो ठीक है बच्चों, मैं इधर से लिखता हूँ, इफ आई गो टू आगरा आई विल सी द ताज। ठीक है बच्चों, लास्ट में जो है देखिए ये ताज को आप देख सकते हैं, अगर मैं आगरा जाऊंगा तो मैं ताज देखूंगा। इतना समझ में गया? बहुत सुंदर। अब बच्चों कई बार मैं यूं भी कहता हूं इसको कि इफ आई, यहां तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये गो है बच्चों, मैं इसका इस बार वेंट कर रहा हूं। इफ आई वेंट टू आगरा, इफ आई वेंट टू आगरा का मतलब हो गया अगर मैं आगरा जाता। अब बच्चों आपने क्या किया कि जब आपने इसका वेंट कर दिया, जब गो का वेंट कर दिया तो विल का क्या करना पड़ेगा? तो बच्चों आपको विल का करना पड़ेगा वुड, आई वुड, वो आ जाएगा सी और आइए ताज, वाक्य जस का तस उतार दिया जाएगा। हाँ बच्चों, पहले सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि आपको ताज दिखाई नहीं दे रहा है, इस चीज को मैं भी जान रहा हूं, पर दूसरे में दिखाई दे रहा है, तो दूसरे के अनुसार पहले को अपडेट कर सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं है। ये भाई गो टू आगरा आई विल सी द ताज, अगर मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा, अगर मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता, दूसरा वाक्य है बच्चों। तो यह क्या किया बच्चों मैंने? यह अवेंट कर दिया, और चूंकि अवेंट कर दिया इसलिए यहां पर विल का वुड करना मेरी मजबूरी हो गई थी। दूसरी बात समझ में आ गई है? तीसरी बात, कई बार क्या होता है बच्चों, इफ आई, अब यहां जो बच्चों आपको ब्रैकेट में क्या दे दिया, जैसे मान लो ये वेंट है ना, तो यहां बच्चों आपको ब्रैकेट में दे दिया बी। अब आप जानते हो बच्चों बी वर्ब का मतलब क्या होता है? इज एम आर वाज वर होता है, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? वर होती है ना। तो बच्चों वाज भी होती है वर भी होती है, पर कंडीशनल में वर का प्रयोग करते हैं। इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता तो क्या करता मैं? ये फिर बच्चों वुडी आ रहा है, आई वुड फ्लाई, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं क्या करता? मैं उड़ता। If I were a bird, I would fly in the sky भी कर सकते हो आप, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। बहुत अच्छे। अब बच्चों आप ये देख रहे हो कि यहाँ वुड क्यों आया? यहाँ वुड इसलिए आया क्योंकि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। आप कहोगे साहब सेकंड फॉर्म कहाँ है? बच्चों आप जानते हो जो बी है इसकी सेकंड फॉर्म ही तो होती है वर। बहुत बढ़िया। कभी कभी बच्चों ये भी होता कि इफ आई और यह आ जाएगा हेड गॉन टू आगरा, इफ आई हेड गॉन टू आगरा, माने अगर मैं आगरा जा चुका होता तो बच्चों यहां क्या करना पड़ेगा? आई वुड की जगह वुड लगाओ, हैव बाहर से लाओ, आई वुड हैव सीन, आई वुड हैव सीन द, आई वुड हैव सीन, यहां लगा दो बच्चों द और ये आ गया ताज। आशा है कि आपको ये दिखाई दे रहा है द ताज। इफ आई हैड गॉन टू आगरा आई वुड हैव सीन द ताज, अगर मैं आगरा जा चुका होता, इफ आई हैड गॉन टू आगरा I would have S double E N, I would have seen the Taj, अगर मैं आगरा जा चुका होता तो मैंने ताजमहल देख लिया होता। तो बच्चों कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि
पहले आपने फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया तो उधर विल आ गया, यानी प्रेजेंट सिंपल के साथ विल कर दिया। फिर आपने बच्चों सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल का प्रयोग किया तो उधर वुड आ गया। इधर बच्चों जब आपने क्या किया, इफ आई हैड गॉन यानी यहां पर आपने पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बच्चों उधर आपने वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। ये बच्चों कंडीशनल सेंटेंस का पैटर्न है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सेंटेंस इफ से शुरू होता है या किसी सेंटेंस के मध्य इफ का प्रयोग होता है तो वो सेंटेंस बच्चों हमेशा ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, क्योंकि आप जानते हो कोई भी सेंटेंस है जिसमें एक से ज्यादा वर्ब है, ध्यान देना, कोई भी सेंटेंस है बच्चों, कोई भी सेंटेंस है और उसमें वर्ब कितनी है, एक से ज्यादा तो वर्ब है, और दूसरी बात बच्चों उसमें एक एससी माने सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है, तो ऐसा जो बड़ा सेंटेंस होता है वो बच्चों हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में मिश्र वाक्य कहते हैं। इतना समझ में आ गया है? तो बच्चों ये कविता जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इस कविता की विशेषता है कि इसकी प्रत्येक पंक्ति इफ से स्टार्ट होगी। जैसे टैगोर की कविता की प्रत्येक पंक्ति वेयर से स्टार्ट हुई थी, डू यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद है? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर द टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। आप देख रहे हैं बच्चों में क्या समझाना चाहता हूं? मैं बच्चों आपको ये बता रहा हूं, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द पोयम दैट वॉज कंपोज बाई रविंद्रनाथ टैगोर अंडर द टाइटल ऑफ द हेवन ऑफ फ्रीडम, हेवन ऑफ फ्रीडम नामक शीर्षक के अंतर्गत टैगोर की जो कविता लिखी गई थी उसकी प्रत्येक पंक्ति वेयर से स्टार्ट हो रही थी। और बच्चों मैंने कहा था कि यहां पर क्या है कि वेयर बच्चों कंजंक्शन का काम कर रहा है, ये डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है। अगर डब्ल्यू एच वर्ड होता तो प्रत्येक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता, पर आपने देखा किसी भी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आ रहा था, क्योंकि बच्चों वहां पर वेयर का मतलब कहां था ही नहीं, वहां पर तो वेयर का मतलब था जहां, जहां, ठीक है बच्चों, जैसे जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, तो मैंने जहां बोला, कहां थोड़ी बोला है। तो बच्चों आप वहां वेयर का ही प्रयोग करोगे, जहां चाह होती है वहां राह होती है, वेयर देयर इज ए विश देयर इज अ वे, वेयर देयर इज ए विश देयर इज अ वे का मतलब बच्चों ये हुआ कि जहां चाह होती है वहां निश्चित रूप से क्या होती है, जहां चाह होती है वहां राह होती है। तो बच्चों आप ये जानते हैं कि वाक्य को आप वेयर से शुरू करते हैं और ऐसे वाक्यों में क्या होता है बच्चों, अगर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आता तो ऐसे वाक्यों में बच्चों आप ये समझें कि वेयर का मतलब कहां नहीं होता अपितु जहां होता है, और जब भी वेयर का मतलब जहां होता है तो वो एक कंजंक्शन का काम करता है। किसका काम करता है? कंजंक्शन। देखना बच्चों, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोयम। अब बच्चों मैं कविता शुरू करने वाला हूं। पहली पंक्ति है, इफ यू कैन कीप योर हेड, इफ यू कैन कीप योर हेड when all about you are losing theirs, keep your head। देखो बच्चों आप इस बात को समझो, keep माने तो रखना होता है, head माने सर होता है। keep माने तो बच्चों क्या बताया मैंने, keep माने रखना बताया है और head माने सर बताया है। लेकिन बच्चों आप ये भी जानते हो कि कई बार क्या होता है, हम बोलते कुछ है उसका अर्थ और कुछ और निकलता है। जैसे मैं कहता हूं बच्चों कि जब मैं आपको कई बार कहता हूं कि टीज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिरिट मिल्क, तो बच्चों दूध दूध का कोई लेना देना नहीं है, मैं इसका अर्थ ये करूंगा कि अब पछतायन होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, दूध डुड़ गया तो डुड़ गया, अब वो वापस तो गिलास के अंदर इकट्ठा होगा नहीं, वो जिस स्थिति में था बच्चों उस स्थिति में वो वापस नहीं आएगा। समझ में आ रही है? जैसे रबर बैंड को आपने यूं खींचा, विज्ञान में पढ़ते हो आप, और ढीला किया तो वापस क्या हो गया, अपनी पूर्व स्थिति जो है उसमें आ गया। आपने बच्चों बल्ब जलाया और बंद किया तो अपनी पूरी स्थिति में आ गया, तो उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय आप पढ़ते हो। पर बच्चों एक बात बताइए कि दूध गिर गया तो गिर गया, और उस गिरे हुए दूध को अगर आप वापस क्या करते हो, पात्र में लाने की कोशिश करते हो तो दोबारा आएगा नहीं। तो मेरे को यह समझाना है कि इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी ढुले हुए दूध के ऊपर रोना धोना बेकार है। तो यार ढुले हुए दूध का मतलब ढुला हुआ दूध नहीं निकल रहा, वहां उसका मतलब निकल रहा बच्चों अब पछतायन होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। या बच्चों मैं आपको कहता हूं इफ यू कैन कीप योर हेड, या मैंने आपको बोला इफ यू कैन कीप योर हेड, इसका हुआ बच्चों
If you can keep your head का मतलब होता है if you can keep the balance, if you can keep the balance of your mind. या बच्चों head का मतलब mind है क्योंकि ये जो head है ना इसमें हमारा भेजा होता है, इसमें हमारा मस्तिष्क होता है, इसलिए मैं head का तात्पर्य कह रहा हूँ. If keep the balance, if you can maintain, keep से मतलब होता है बच्चों maintain. If you can maintain the balance of your mind, if you can maintain the balance of your mind, अगर तुम अपने दिमाग के संतुलन को बना करके रख सको, when all about you are losing theirs, जब आपके पास के all about you, बच्चों about का मतलब तो आप जानते हो. About के मतलब क्या क्या होते हैं बच्चों, देखो जब मैं आपको कहता हूं कि what do you know about the life of a saint, आप एक संत के जीवन के बारे में क्या जानते हो, तो आप देखते हो बच्चों about का मतलब होता है के बारे में. क्लियर है? जब मैं आपको कहता हूं बच्चों कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका अबाउट 500 ईयर्स एगो, कोलंबस ने लगभग 500 साल पहले अमेरिका की खोज की, तो आप देख रहे हैं बच्चों अबाउट का मतलब क्या बोला मैंने, लगभग. दोबारा सेंटेंस सुनो, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका अबाउट 500 ईयर्स एगो. तो बच्चों आपने देखा कि यहां पर एगो का मतलब लगभग है, लेकिन ऑल अबाउट यू का मतलब क्या होता है? ऑल अबाउट यू का मतलब होता है बच्चों, ऑल अबाउट यू का मतलब होता है ऑल अराउंड यू, ARUND. अबाउट का मतलब अराउंड भी होता है जिसका मतलब होता है आसपास. जब तुम्हारे आसपास के सभी लोग अपने दिमाग का संतुलन खो रहे हों, जब तुम्हारे आसपास के सभी लोग अपने दिमाग का संतुलन खो रहे हों, और ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर भी, और ऐसी विषम परिस्थितियों के अंदर भी, और इन सच एडवर और अंडर सच एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, और इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, इफ यू आर केपेबल ऑफ मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ योर माइंड, अगर ऐसी परिस्थितियों के अंदर भी आप अपने माइंड का बैलेंस, अपने दिमाग का संतुलन कायम रखने में समर्थ हो, तो क्या है, तो जो है बच्चों बात हम लास्ट में बताएंगे आपको. हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं. आपको पता बच्चों जीवन में क्या होता है, जी कई बार आप सच्चे होते हो और संसार के बाकी सारे लोग आप पर आरोप लगाते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं, आपको पता है. लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी जो अपने धैर्य को नहीं खोता, वन हु डज नॉट लोज इज पेशेंस इवन अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, लेकिन ऐसी परिस्थितियों के अंदर भी बच्चों जो अपने धैर्य को नहीं खोता है, वही सच्चा विजेता होता है. ही इज द ट्रू विक्टोरियस पर्सन, वो सच्चा विक्टोरियस होता है. तो बच्चों पहली लाइन जो है इसके अंदर गीता, कुरान, पुराण, वेद, न जाने कितने ग्रंथों का सार आ गया है. इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लोजिंग देयर्स, देयर्स का मतलब होता है व्हेन ऑल अराउंड यू आर लोजिंग द माइंड ऑफ, सॉरी द बैलेंस ऑफ देयर माइंड, जब आपके आसपास के सारे लोग क्या कर रहे हैं, दे आर लोजिंग देयर टेम्पर, व्हेन ऑल अदर पीपल हु आर लिविंग अराउंड यू आर लोजिंग देयर टेम्पर, जब तुम्हारे आसपास के सभी लोग अपना संयम खो रहे हैं, तुम अपना आपा खो रहे हैं, और उस परिस्थिति के अंदर भी तुम्हारे अंदर इतना दिमाग, इतनी सहनशीलता है कि तुम अपने दिमाग का संतुलन बना के रखने में सक्षम हो, एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, और तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं, तब भी अगर तुम अपने दिमाग के बैलेंस को मेंटेन करने में समर्थ हो. ठीक है बच्चों, अग्निपथ पिक्चर के शुरू में एक कविता आती है जो अमिताभ बच्चन के पिता राय बच्चन ने लिखी थी, तून झुकेगा कभी, तून रुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ. वो कविता एक्चुअली बच्चों तब लिखी गई थी जब अमिताभ के ऊपर दुनिया भर के आरोप थे कि साहब ये जो बोफोर्स के घोटाले हुए हैं तो इनमें राजीव गांधी के साथ ये भी शामिल थे, इसको शूली पे चढ़ा दो. ठीक है, तो अमिताभ क्या कर रहा था, जिन परिस्थितियों के अंदर अपने मस्तिष्क का संतुलन खो रहा था, ठीक है, और उसके दिमाग में आ रहा था कि जब कूली के सेट के ऊपर मेरा एक्सीडेंट हुआ और देश की जनता ने एक साथ जो है मेरे प्राणों की दुआ मांगी, मेरी जीवन रक्षा की दुआ मांगी, आज उसी देश की जनता ये चाहती है कि अमिताभ को शूली पे लटका दिया जाए. एंड व्हेन ही वाज लोजिंग द बैलेंस ऑफ हिज माइंड, और जब वो अपने दिमाग के संतुलन को खोने लगे, तब उन्होंने अपने पिता को लिखा, और पिता ने बदले में जो है उनके पिता जो उनके गुरु भी थे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जो हिंदी के महान कवि हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उन्होंने क्या किया, कविता के माध्यम से अपने बेटे को जवाब दिया था. वो कविता थी वो, ठीक है, वृक्षों घने खड़े, ठीक है, वो कविता की लाइन कुछ यूं है कि ये मान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, खून से लथपथ लथपथ लथपथ. तो ऐसी विषम परिस्थितियां जब आपके आसपास के तमाम लोग आपके ऊपर आरोपों की बारिश कर रहे हो, आरोप भी कैसे झूठे, मिथ्या आरोपों की बारिश आपके ऊपर कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको गुस्सा नहीं आता है,
फिर भी आप अधीर नहीं होते, यू डोंट बिकम इम्पेशेंट इवन अंडर सच सर्कमस्टेंसेज, यू कीप योर बैलेंस। आप ऐसी परिस्थितियों में भी अपने संतुलन को कायम रखते हैं, तो वाली बात तो बच्चों हम लास्ट में बताएंगे आपको। बहरहाल हमारी बात जारी रहेगी, परंतु इस क्रम में बच्चों हमारी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम क्या लेंगे, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। देख रहे हैं आप, इफ यू कैन कीप योर हेड, इफ यू कैन मेंटेन द बैलेंस ऑफ योर माइंड व्हेन ऑल अबाउट यू, व्हेन ऑल अदर पीपल हु आर लिविंग अराउंड यू, व्हेन ऑल अराउंड यू, जब तमाम लोग जो तुम्हारे आसपास रहते हैं दे आर लूजिंग देयर्स, जब वो क्या कर रहे हैं, जब वो अपने को खो रहे हैं, अपने को क्या, अपने आपे को खो रहे हैं, एंड ब्लेमिंग इट, गलतियां खुद कर रहे हैं और आरोप तुम्हारे ऊपर लगा रहे हैं, अपनी गलतियों के आरोप भी जो तुम्हारे सर पे मिट रहे हैं, इट ऑन यू, और इसका आरोप तुम्हारे ऊपर लगा रहे हैं। इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू, देखो ये भी एक बहुत अच्छी बात है बच्चों, जब सारा संसार तुम्हारे ऊपर संदेह करे, व्हेन द होल वर्ल्ड डाउट योर पोटेंशियलिटी, जब सारा संसार तुम्हारी शक्ति के ऊपर संदेह करे, तुम्हारी क्षमताओं के ऊपर संदेह करे, और उन परिस्थितियों में भी अगर तुम अपने आप में अपने विश्वास को कायम रख सको, इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, अगर तुम अपने आप में भरोसा रख सको, कब, जब पूरा संसार तुम्हारी क्षमताओं के ऊपर संदेह करे। होता क्या है बच्चों कि एक झूठ को अगर हम 100 बार बोलते हैं, मुझे ठीक से याद नहीं है शायद कौन सी पिक्चर का नाम हो, एक मूवी है जिसमें अनुपम खेर जो है उसको लोग पागल बनाते हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ है लेकिन वो मंदिर में जाता है तो उसको कभी क्या दिखाते हैं, कभी क्या दिखाते हैं। तो मेरा कहने का, एक झूठ को बच्चों जब हम 100 बार बोलते हैं, ठीक है, एक झूठ को जब हम 100 बार बोलते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति को हम कहते हैं यार बीमार से लगते हो, क्या चक्कर, तुम्हारा चेहरा जो है कुछ ऐसा लग रहा है, तुम्हारी आंखें दसी दसी लग रही है। एक ही व्यक्ति को 100 व्यक्ति अगर ये बात कहेंगे तो वो स्वस्थ होते हुए भी उसके दिमाग भी आ सकता है कि यार कहीं जो है मैं वास्तव में बीमार तो नहीं हूं। मेरा मतलब ये हुआ कि विज्ञापन के द्वारा एक बात को 100 बार बोल करके हम झूठ को भी सच में बदलते हैं और लोगों को झूठ भी थोड़ा सच प्रतीत होने लगता है। तो यहां पर यह बात बताई गई है बच्चों कि जब पूरा संसार तुम्हारी क्षमताओं के ऊपर संदेह करे, व्हेन द होल वर्ल्ड डाउट योर एबिलिटीज एंड योर पोटेंशियलिटी, जब तुम्हारी क्षमताओं और तुम्हारी शक्तियों के ऊपर पूरा संसार संदेह करे, तब भी बच्चों कम से कम तुम्हें तो अपनी शक्तियों पर विश्वास होना चाहिए। तुम लोगों के कहने से अपने निर्णय ना बदलो, तुम लोगों के कहने से अपने रास्ते नहीं बदलो, तुम लोगों के कहने से अपनी मंजिलें न बदलो, और अपना विश्वास तुम्हारे अंदर जो दृढ़ है वो अगर इन परिस्थितियों के अंदर भी जबकि पूरा संसार तुम्हारे ऊपर संदेह करे, तब भी यदि तुम अपने अंदर अपने आप में अपने विश्वास को कायम रख सको, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, बट मेक अलाउंस। बच्चों ये जो मेक अलाउंस शब्द है इसे जरा ध्यान समझो, अलाउंस यानी बत्ता होता है, सब जानते हैं अलाउंस यानी क्या होता है, देखना ये शब्द है बच्चों,
ALOW अलाउ माने अनुमति देना, जानते हो ना, अलाउ माने अनुमति देना, क्लियर है बच्चों? ओके, आप ये भी जानते हो बच्चों, इस अलाउ को आप लेट भी कहते हो, ये पर्यायवाची है, आप इसे बच्चों परमिट भी कहते हो, PERMIT परमिट, क्लियर है बच्चों? अलाउ से आपने बनाया अलाउंस, ठीक है, जैसे डिपेंड से आप बनाते हो डिपेंडेंस, डिपेंड से डिपेंडेंस बनाते हो, कंप्लाई से कंप्लाइंस बनाते हो, कंप्लाई से कंप्लाइंस बनाते हो, तो बच्चों आप जानते हो वर्ब का नाउन बनाते हैं हम, तो आपने बना दिया ALOWAL, तो अलाउंस का मतलब होता है बच्चों भत्ता, जैसे अपन जानते हैं, ठीक है, भत्ते होते हैं तो उन भत्तों को अलाउंस कहा जाता है हिंदी में बच्चों, इसके लिए जो शब्द बताया मैंने वो क्या है, वो है यात्रा भत्ता होता है बच्चों, तो उसको आप बोलते हो TA, TA का मतलब होता है ट्रेवल अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस जो होता है उसको आप यात्रा भत्ता कहते हैं, TA कहते हैं, क्लियर? ये तो बच्चों अलाउंस हो गया। अब बात यह है कि यहां पर दूसरा शब्द आया बच्चों आपके मेक अलाउंस, ये बच्चों जब आपने मेक और अलाउंस दो शब्दों का प्रयोग साथ साथ किया तो इनका अर्थ बदल गया, इनका अर्थ बदल गया, क्योंकि बच्चों जब आप कहते हो जी आम के आम गुठलियों के दाम, तो अर्थ बदल गया, दोहरा लाभ निकल गया उसका, दोहरा लाभ निकल गया। अंग्रेजी में पता फ्रेजल वर्ब क्या होती है, लुक माने देखना होता है, और आफ्टर लगा दो लुक आफ्टर यानी देखभाल करना होता है, लुक क्या ये फोर लगा दो, लुक फोर का मतलब लुक फोर यानी ढूंढना होता है, लुक फॉरवर्ड टू लगा दो उसका माने इंतजार करना होता है, उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करना होता है, लुक इन टू का मतलब जांच पड़ताल करना या तहकीकात करना या छानबीन करना होता है, तो बच्चों आप समझ रहे हैं। तो मेक अलाउंस शब्द जब आपने संयुक्त रूप से प्रयोग किया बच्चों तो इसका मतलब बदल गया, और इसका मतलब पता क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बच्चों FORGIVE, फॉरगिव माने क्षमा करना, क्षमा कर सकते हो आप, क्षमा वही कर सकता है बच्चों, क्षमा वही कर सकता है जिसमें क्षमता होती है। अगर आप में इतनी सारी क्षमता है, लोग आपको अपमानित करते हैं और आप उसको क्षमा कर देते हैं, यह आपका आपका बड़प्पन है, यह आपकी उदारता है। क्षमा कायर व्यक्ति नहीं करता, दिनकर कहता कि क्षमा तो बहादुर लोग करते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, और उसको क्या जो दंतहीन विषहीन स्वभाव सरल हो, जिस व्यक्ति का जो दांतहीन है विषहीन है ऐसा सांप वाला दूसरों को क्या क्षमा करेगा, ठीक है। तो बट मेक अलाउंस, परंतु आप जो क्षमा कर सकते हैं, फॉर देयर डाउटिंग टू, अर्थात वे लोग आपके ऊपर संदेह करते हैं, झूठा संदेह करते हैं, तो बच्चों ये बात जानकर के आपको उन पर क्रोध आना चाहिए। छोटी छोटी मानसिकता वाले जो लोग हैं, संकीर्ण विचारधारा वाले लोग हैं, जब उन पर कोई संदेह करता तो वो आग बबूला उठते हैं, लेकिन तुम इतने धीर और गंभीर हो, तुम इतने धीर प्रशांत हो कि कोई आदमी तुम्हारे ऊपर संदेह करे, और फिर भी उन लोगों के संदेह करने से तुम अपने आप पर संदेह न करो, उन लोगों के संदेह करने से तुम अपने आप पर संदेह न करो, बल्कि अपनी क्षमताओं के अंदर आपका दृढ़ विश्वास हो। और सुनो, केवल इतना ही नहीं, उन संदेह करने वालों को क्षमा करने का उदार हृदय भी आपके पास हो, उन संदेह करने वाले लोगों को क्षमा करने के लिए उदार हृदय भी तुम्हारे पास हो। टैगोर बच्चों अपनी गीतांजलि की जो है किताब, उसकी एक पंक्ति में वो लिखते हैं कि ईश्वर मुझे तुम इतनी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी संदेह न करूं, ईश्वर तुम मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी संदेह न करूं। आई बात समझे, होता क्या है कि हमें ईश्वर के ऊपर क्या करना पड़ता है, हमें ईश्वर के ऊपर जो है पूरा विश्वास करना पड़ता है, करना चाहिए। तो यह बात है कि उन्होंने कहा कि ईश्वर मुझे ऐसी क्षमता दीजिए कि जो है मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी क्षमताओं के ऊपर जो है कभी भी संदेह न करूं। तो देखो यह क्या लिखा है, इफ बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, परंतु आप उनके संदेह करने को भी क्षमा कर देते हो, इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाई वेटिंग, अगर आप वेट कर सकते हैं, अगर आप प्रतीक्षा कर सकते हैं, तथा प्रतीक्षा करने से कभी ऊबते नहीं है। होता क्या है बच्चों, हम प्रतीक्षा करते हैं, समझ गए, प्रतीक्षा करते हैं कि साहब साल भर में मेरी नौकरी लग जाएगी, और साल भर में नहीं लगती तो हम क्या करते हैं, जो मेहनत हमने की वो सारी सारी मेहनत के ऊपर हम पानी फेर के चले जाते हैं। तो यह बताया गया है कि साल का 1.5 साल भी लग सकता है, 1.5 का 2 साल भी लग सकता है, 2 साल का 3 साल भी लग सकता है, पर अगर आपने अपने जीवन में कोई साध्य बनाया है, इफ यू मेड ए टारगेट इन योर लाइफ, अगर तुमने अपने जीवन में कोई टारगेट बनाया है, और टारगेट को पाने के लिए क्या है बच्चों, धैर्य की जरूरत होती है,
प्रतीक्षा की जरूरत होती है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और जब तक आपको टारगेट नहीं मिलता तब तक आपको यही समझना चाहिए कि तुम्हारे प्रयासों में कहीं ना कहीं कोई कमी है, और जिस दिन वो प्रयास पूरे होंगे तभी तो तुम्हें लक्ष्य प्राप्त होगा। इसलिए लक्ष्य को पाने के लिए इतना उतावलापन रखने की आवश्यकता नहीं है। अपना कौशल, अपनी रणनीति, अपनी व्यूह रचना में सुधार करने के लिए सदैव प्रयासरत रहने की जरूरत है। तो यह बताया गया है कि ऐसी जब परिस्थितियां बन जाए कि आपको वेट करना पड़े, एंड यू कैन वेट, और तुम वेट कर सकते हो, एंड यू आर नॉट टायर्ड ऑफ वेटिंग, एंड यू आर नॉट टायर्ड ऑफ वेटिंग, और तुम वेट करने से कभी उबते नहीं हो। बच्चों ध्यान देना, एक शब्द आ रहा है टायर्ड ऑफ, इसमें तो टायर्ड बाई आ रहा, हालांकि मेरे गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि बच्चों टायर्ड बाई नहीं टायर्ड ऑफ होता है। क्या बोला मैंने? हाँ बच्चों, टायर्ड ऑफ होता है। और बच्चों एक शब्द और बता रहा हूं मैं आपको, फेड अप विद। ध्यान दो, दोनों फ्रेजल वर्ब्स हैं। आई एम फेड अप विद यू, ध्यान देना, आई एम फेड अप विद यू, इसका मतलब बच्चों मैं तुमसे बाज आ गया हूं, मैं तुमसे तंग आ गया। आई एम फेड अप विद का, आई एम फेड अप विद यू का मतलब मैं तुमसे बाज आ गया हूं, मैं तुमसे तंग आ गया हूं। और बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं कि फेड अप यू को हटा करके, आई एम फेड अप विद यू को हटा के आई एम टायर्ड ऑफ यू का प्रयोग भी कर सकता हूं। बोथ द फ्रेजल वर्ब्स हैव द सेम मीनिंग, दोनों ही फ्रेजल वर्ब का मीनिंग या दोनों का अर्थ एक है। पर बच्चों टायर्ड अपने बाद में ऑफ लेता है, टायर्ड शैल ऑलवेज बी फॉलोड बाई ऑफ। जैसे बच्चों आप जानते हो कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके बाद में सिर्फ ऑफ आता है और ऑफ ही आना चाहिए, सिर्फ ऑफ आता है और ऑफ ही आना चाहिए। आप जरा बोर्ड की तरफ देखेंगे एक बार, मैं आपको थोड़ा ग्रामर की तरफ लेके चलना चाह रहा हूं। एक शब्द देखो, ये प्राउड है बच्चों, तो आप जानते हो आप यही तो कहते हो कि आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, ऐसे थोड़ी बोलते हैं प्राउड ऑन माई कंट्री। क्लियर बच्चों? आप कहते हो कि जेब कतरों से सावधान, तो आप कहते हो बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से सावधान। तो बच्चों आप देख रहे हैं प्राउड ऑफ होता है, बी वेयर ऑफ होता है, उसी तरीके से बच्चों फंड ऑफ होता है, उसी तरीके से बच्चों अफ्रेड ऑफ होता है, उसी तरीके से बच्चों इंक्वायर्ड, याद करना है इनको, याद करना पड़ेगा, इनमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। उसी तरीके से इंक्वायर्ड ऑफ होता है, इंक्वायर एक वर्ब है बच्चों, उसके बाद ऑफ लगाना चाहिए। अप्रूव, जैसे द डायरेक्टर हैज अप्रूव्ड ऑफ योर प्लान, यहां बच्चों ऑफ आएगा, अप्रूव यानी अनुमोदन करना होता है, अप्रूव माने अनुमोदन करना होता है। ये अपने बाद ऑफ लेता है तो लेता है, ये अपने बाद ऑफ लेता है तो लेता है। आप देख रहे हैं बच्चों गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। और एक होता है बच्चों डिप्राइव्ड, या डिप्राइव ऑफ का मतलब होता है वंचित करना। जैसे आप कहते हो कि एक बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, चाइल्ड के नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू एजुकेशन, हिज और हर राइट टू एजुकेशन, एक बच्चे को उसकी शिक्षा के अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते हैं, तो बच्चों गेट रिड ऑफ होता है, डिप्राइव ऑफ होता है। ध्यान दो बच्चों इंस्पाइट ऑफ होता है, जिसका माने होता है के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ होता है परंतु। एक शब्द और आता है ध्यान दो डेस्पाइट, इसका मतलब भी के बावजूद होता है परंतु, इसके बाद ऑफ का प्रयोग करना सख्त मना है। परंतु डेस्पाइट के बाद में ऑफ का प्रयोग करना सख्त मना है। एक शब्द आर आई एस ई कंप्राइज के बाद ऑफ का प्रयोग करना सख्त मना है। जैसे मैं कहता हूं कि दिस बुक कंप्राइजेज ऑफ 100 पेजेज, तो ऑफ हटेगा बच्चों, लेकिन कंसिस्ट के बाद ऑफ का प्रयोग जरूर करना चाहिए। परंतु कंसिस्ट के बाद में ऑफ का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जरा बोर्ड की तरफ देखेंगे, यह है बच्चों कंसिस्ट, सी ओ एन एस आई एस टी, कंसिस्ट के बाद ऑफ जरूर आएगा। जानते हो कंसिस्ट ऑफ यानी क्या बताया मैंने, दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 100 पेजेस, ये किताब 100 पन्नों से मिलकर के बनी है, तो कंसिस्ट ऑफ तो बेशक सही है बच्चों, लेकिन कंप्राइज ऑफ नहीं होता, कंप्राइज के बाद में ऑफ का प्रयोग करना गलत माना जाता है। एक होता है बच्चों इन ल्यू ऑफ, ध्यान देना एल आई ई यू, इन ल्यू ऑफ यानी होता है के बदले, इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है के बदले, क्या होता है के बदले। एक होता है बच्चों बाई वर्च्यू ऑफ, बाई वर्च्यू ऑफ माने होता है के कारण,
बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब क्या होता है? बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है के कारण। तो बच्चों इनमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, ये तो फिक्स है, इनके बाद ऑफ आता है, आता है तो आता है, याद करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको मीनिंग समझा सकता हूं, ये प्राउड ऑफ का मतलब अभिमान करना होता है, हम प्राउड ऑफ। उसी तरीके से बच्चों एक बात यह भी है कि कई बार हम कहते हैं कोई सभ्य आदमी अपनी उपलब्धियों की कभी डेंगे नहीं हाँकता है, तो हम कहते हैं ए मॉडेस्ट पर्सन नेवर बोस्ट्स ऑफ हिज सक्सेस। एक बच्चों का कोई अपराधी होता है तो हम उसको गिल्टी ऑफ कहते हैं, गिल्टी ऑफ, कि साहब ये फलाना फलाना दोषी है, फलाना अपराध कर दिया है इसने, ये इसका गिल्टी है। क्लियर है बच्चों? तो गिल्टी ऑफ भी होता है। अगर किसी व्यक्ति पर किसी चीज का आरोप होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसे कहते हैं अक्यूज्ड ऑफ, ए डबल सी यू एस ई डी ओ एफ, अक्यूज्ड ऑफ होता है। अब ये होता है तो होता है। प्राउड ऑफ का मतलब अभिमान करना होता है, बीवेयर ऑफ का मतलब सावधान रहना होता है, फंड ऑफ होता है अफ्रेड ऑफ होता है। और बच्चों एक बात ये भी ध्यान दो कि अगर कोई आदमी बीमारी से मर जाए तो डाई के बाद आप ऑफ लगाते हो, जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, किससे मर गया वो कैंसर से मर गया, तो डाई ऑफ का प्रयोग किया आपने, डाई ऑफ। ठीक है बच्चों, डाई ऑफ का प्रयोग आपने किया कि वो जो फलानी बीमारी से मर गया, तो डाई ऑफ का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से बनती है तो बच्चों आप बोलते हो द ताजमहल इज मेड ऑफ, द ताजमहल इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। ताजमहल किससे बना है? ताजमहल ईंट और पत्थर से मिलकर बना है, ब्रिक एंड स्टोन। ये सारे उतारने लायक हैं बच्चों, तो आपको इनको उतारना चाहिए और इनको याद भी करना चाहिए। किताब में करेक्शन बच्चों नहीं कराऊंगा मैं आपको, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यहाँ पर टायर्ड ऑफ, टायर्ड बाई को काट के टायर्ड ऑफ करो, क्योंकि बच्चों ये नोबेल पुरस्कार विजेता है और इसकी ये जो इन्होंने लिखा है तो कवियों को विशेष अधिकार भी होता है, कविताओं में तो कुछ अपने हिसाब से लिख देते हैं, पर एक्चुअली हम ये बताना चाहेंगे कि परीक्षा में अगर बच्चों कभी भी टायर्ड के बाद आपसे प्रीपोजिशन भरवाए तो नो डाउट टायर्ड के बाद ऑफ का प्रयोग करना चाहिए और टायर्ड के बाद में बाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, परंतु अगर आप उनके संदेह को, परंतु आप उनके संदेह करने को भी आप क्षमा कर देते हैं, इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड ऑफ वेटिंग, अगर आप प्रतीक्षा करते हैं और प्रतीक्षा करने से उबते नहीं हैं, अगर आप प्रतीक्षा करते हैं और प्रतीक्षा करने से उबते नहीं हैं, ओके, और बीइंग लाइड अबाउट, और जब तुम्हारे बारे में झूठ बोला जाए, डोंट डील इन लाइज, जब तुम्हारे बारे में कोई झूठ बोले बच्चों तो भी आप जो है क्या नहीं करते हो, तो भी तुम झूठ नहीं बोलते हो, यू डोंट डील इन लाइज, अर्थात तब भी तुम झूठ को अपना व्यवसाय नहीं बनाते हो, तब भी तुम झूठ को अपना व्यवसाय नहीं बनाते हो। या बच्चों डील के बारे में भी समझो आप, डील का मतलब क्या होता है, डील का प्रयोग आप इस प्रकार से करते हैं, ध्यान देना, ये बच्चों डील है। जैसे मैं आपको ये कहता हूं कि आई डोंट डील, ध्यान देना, आई डोंट डील विद, आई डोंट डील विद सच ए डिसऑनेस्ट पर्सन, मैं एक ऐसे बेईमान आदमी से क्या नहीं रखना चाहता हूं, कोई संबंध नहीं रखना चाहता हूं। आई डोंट डील विद डिसऑनेस्ट पर्सन, अर्थात मैं ऐसे बेईमान आदमी से कोई भी कारोबार नहीं रखना चाहता हूं। डील विद समझ में आ गया है? अब बच्चों डील के बाद इन भी तो आ सकता है, ये कब आता है ध्यान दो, डील इन लाइज, लाई मानी क्या होता है बच्चों? झूठ। यहां लाई क्यों आ रहा है? डील इन कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक क्या है बच्चों? कॉस्मेटिक का मतलब सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री का कारोबार है। और देखो बच्चों डील इन रेडीमेड गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स ये आ गया बच्चों, रेडीमेड गारमेंट्स। बच्चों ये भी आ सकता है डील इन स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब जानते हो ना, लेखन सामग्री होता है। तो बच्चों मुझे ये समझाना है कि डील का मतलब जब कारोबार हो, या बच्चों डील इन लाइज का मतलब तब भी आप झूठ को अपना कारोबार नहीं बनाते हो जब पूरा संसार तुम्हारे बारे में मिथ्याचार कर रहा हो। When you are lied about, when you are being lied about, अर्थात जब तुम्हारे बारे में संसार के सभी लोग झूठ बोलते हो, झूठी बातें बोल रहे हो, तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लाछन लगा रहे हो, लाछन, ऐसी परिस्थितियों में भी यू डोंट डील इन लाइज, तब भी तुम जो है झूठ को अपना व्यवसाय नहीं बनाते हो। और बींग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग, और जब पूरा संसार तुमसे नफरत कर रहा हो, एंड यू आर when यू आर बींग हेटेड बाई द होल वर्ल्ड, जब पूरे संसार के द्वारा तुमको घृणा मिल रही हो, घृणा मिल रही हो, तो भी बदले में जो है तुम लोगों को घृणा न देते हो। जब पूरा संसार तुमसे नफरत कर रहा हो और तब भी तुम लोगों को बदले में नफरत न देते हो, एंड यू डोंट लुक टू गुड, और इतना होने के बावजूद भी बच्चों तुम बहुत अधिक बुद्धिमान होने का, ठीक है, येट एंड इवन देन, और तो भी
यू डोंट लुक, यू डोंट ट्राई टू लुक, तुम दिखाई देने की कोशिश नहीं करते हो. टू गुड का मतलब बहुत अच्छे है ना, नो टॉक टू वाइज, यानी इतना होने पर भी तुम बहुत अच्छे और बहुत बुद्धिमान बनने का दिखावा न करते हो. इतना सब कुछ होने पर भी तुम बहुत अच्छे और बहुत बुद्धिमान होने का दिखावा न करते हो. तो इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, और बाकी बात अगली क्लास में. नमस्कार.